दोस्तों कोर्सेज एंड करियर के एक और नया एक्साइटिंग एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जानेंगे डेटा एनालिस्ट फ्री में कैसे बने, क्योंकि खुद गूगल ने कंप्लीट 6 मंथ का ऑनलाइन जॉब ओरिएंटेड कोर्स लॉन्च कर दिया है। डेटा एनालिस्ट एक टॉप इन डिमांड स्किल्स में से एक है। ये सीख गए आप तो एक हैंडसम सैलरी वाला जॉब आसानी से पा जाओगे, क्योंकि अपने इस प्यारे भारत में अभी भी 90,000 से ज्यादा जॉब ओपनिंग खाली है। इस फील्ड में स्किल कैंडिडेट्स बहुत कम है। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में 3 फ्री कोर्सेज ढूंढ लिया है, जिसमें गूगल और IBM के भी कोर्सेज हैं, जिन्हें आप फ्री में कर सकते हो। ये कोई 1-2 घंटे की इंट्रोडक्शन कोर्सेज नहीं है, ये कम्प्लीट जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, जिनमें आपको फ्री सर्टिफिकेट्स भी मिलेगा। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो पहले हिंदी कोर्सेज करके पूरा सीख जाओ, फिर गूगल या IBM के फ्री कोर्सेज करके सर्टिफाइड हो जाओ। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम डिटेल में जानेंगे कि एक डेटा एनालिस्ट कौन होता है, एक्चुअल में क्या करता है, और कैसे आप भी एक प्रोफेशनल डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आपने ये तो सुना ही होगा, डेटा इज द न्यू ऑयल, क्योंकि जिस तरह ऑयल 20वीं सदी में इंजन चलाने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, आज वैसे ही डेटा इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है। जितना ज्यादा जिसके पास डेटा एंड इन्फॉर्मेशन है, उसके पास उतना ही पैसा है। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग का नेटवर्थ 90 US बिलियन डॉलर से ज्यादा है। फेसबुक तो एक फ्री प्लेटफॉर्म है, बट वो कैसे इतना पैसा क्रिएट कर रहा है 90 US बिलियन डॉलर से ज्यादा। ये इतना पैसा है कि कई छोटे छोटे देश खरीदे जा सकते हैं, क्योंकि दुनिया की जितनी कंपनीज हैं वो यूजर्स का डेटा चाहती हैं, ताकि वो उनके नीड बिहेवियर डिजायर्स को समझकर उनके लायक डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा बेच सके। और फेसबुक के पास 2.5 बिलियन एक्टिव यूजर्स का डेटा है। ऐसे ही अमेज़न, यूट्यूब, गूगल, एप्पल, फ्लिपकार्ट जैसे हजारों कंपनीज हैं, इनके पास बहुत सारा यूजर बेस डेटा है। आज के समय में ग्लोबली रोज 2.5 कांट्रिलियन डेटा क्रिएट हो रहा है। 1 कांट्रिलियन में 100 करोड़ GB होता है। सोचिए इतना डेटा रोज क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि हर एक इंसान ऑन एन एवरेज अपने हर एक सेकंड में 1.7 MB डेटा क्रिएट कर रहा है। चाहे वो कोई फोटो शेयर कर रहा हो, कोई रिव्यू दे रहा हो, कुछ लाइक कर रहा हो, कुछ परचेज कर रहा हो, कुछ सर्च कर रहा हो, कोई ट्वीट हो, कोई ईमेल हो, जैसे कई एक्टिविटी से आप ऑन एन एवरेज अपने हर एक सेकंड में 1.7 MB डेटा क्रिएट कर रहे हो। और आपकी तरह पूरी दुनिया में 522 करोड़ लोग कंटिन्यू ऐसे ही डेटा क्रिएट कर रहे हैं, जो अलग अलग वेबसाइट के डेटाबेस में स्टोर हो रही है। अब ये रॉ डेटा सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब अर्थव्यवस्थित या अव्यवस्थित स्टोर हो रहा होता है। इन रॉ डेटा को एनालाइज करके यूजफुल इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स, स्टैटिक्स निकाला जाता है, ताकि कंपनीज अपने ग्रोथ के लिए सही डिसीजन, सही एक्शन ले पाए। और इन इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स, स्टैटिक्स की हेल्प से कंपनीज आसानी से हमारे बिहेवियर, इंटरेस्ट, नीड, एक्शंस को पता लगा लेती हैं। अब ये रॉ डेटा बहुत वास्ट और कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग एनालिसिस सिस्टम इसे हैंडल नहीं कर सकती। तो इस वास्ट रॉ डेटा को प्रोसेसिंग करके उससे यूजफुल इनसाइट्स निकालने के लिए डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग का यूज किया जाता है। अब डेटा के साथ काम करने वाली कंपनीज की संख्या बढ़ती जा रही है, इसीलिए डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट जैसे जॉब प्रोफाइल की डिमांड बढ़ रही है। इस फील्ड में जॉब्स ज्यादा है, बट स्किल कैंडिडेट्स कम है। तो अगर आप बहुत कम समय में कोई इन डिमांड स्किल्स सीखकर एक हैंडसम सैलरी वाला जॉब बहुत जल्दी पाना चाहते हो, तो डेटा एनालिस्ट बनना आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बट कुछ भी बनने से पहले उस जॉब प्रोफाइल को पूरा डिटेल में एक्सप्लोर करो, और देखो क्या ये फील्ड, क्या ये जॉब प्रोफाइल आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है कि नहीं। क्या पैशनेटली, डेडिकेशन के साथ इस फील्ड में, इस जॉब प्रोफाइल पर लंबे समय तक काम कर पाओगे या नहीं। अब ये एक्सप्लोर करने के लिए आइए जानते हैं कि एक डेटा एनालिस्ट कौन है, क्या क्या डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्या क्या स्किल आनी चाहिए, और कैसे फ्री में सीखा जा सकता है। इस वीडियो के बाद अ डे इन द लाइफ ऑफ डेटा एनालिस्ट इस टॉपिक पे 2-3 वीडियो देख लेना, और कुछ डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यू भी देख लेना। आपके बचे हुए जितने भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएगा, और आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये जॉब प्रोफाइल आपकी पर्सनालिटी को सूट करती है कि नहीं। ओके, सो एग्जैक्टली एक डेटा एनालिस्ट कौन होता है। एक डेटा एनालिस्ट कंपनी के नीड के अकॉर्डिंग दिए हुए किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर डेटा कलेक्ट करता है, एनालाइज करके विजुअल रिपोर्ट के थ्रू यूजफुल इन्फॉर्मेशन, ट्रेंड्स, फैक्ट्स, स्टैटिक्स प्रोवाइड करता है, जिसके आधार पर कंपनी अपने ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट डिसीजन लेती है। अब आइए थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि एक डेटा एनालिस्ट की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती है कंपनी में। सो एक डेटा एनालिस्ट का जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट टास्क होता है, वो होता है डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में काम कर रहा हो उसका बिजनेस और गोल समझ
समझते हुए उनके नीड के हिसाब से काम करना। इसके लिए डेटा एनालिस्ट को आईटी टीम मैनेजमेंट और कंपनी के डेटा साइंटिस्ट के साथ भी इन्वॉल्व होकर काम करना होता है। इसके बाद जो दूसरा टास्क होता है वो है डेटा माइनिंग फ्रॉम प्राइमरी सोर्स टू सेकेंडरी सोर्स। डेटा एनालिस्ट सॉफ्टवेयर, सर्वे, अदर डेटा कलेक्शन टूल्स की हेल्प से लार्ज वॉल्यूम में डेटा कलेक्ट करके उसका माइनिंग करता है। डेटा माइनिंग एक प्रोसेस है जिसमें कुछ सॉफ्टवेयर कंप्यूटेशनल एल्गोरिदम की हेल्प से लार्ज रॉ डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उसमें कुछ हिडन पैटर्न डिस्कवर किया जाता है ताकि डेटा को यूजेबल बनाया जा सके। इसके बाद जो तीसरा टास्क होता है वो होता है डेटा क्लीनिंग। इसमें मैसिव रॉ डेटा को एनालाइज करके जो भी इनकरेक्ट, डुप्लीकेटेड या फिर इनकम्प्लीट डेटा होती है उसको फिक्स रिमूव करके करेक्ट किया जाता है। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है वो होता है डेटा एनालाइजिंग। इसके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। इसमें डेटा के हर एक कंपोनेंट को स्टडी करना होता है और पैटर्न, कोरिलेशन, ट्रेंड्स पता लगाना होता है। इसमें डेटा को एनालाइज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, SAS, R जैसे कई स्टैंडर्ड स्टैटिकल टूल्स यूज किए जाते हैं और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन, R प्रोग्रामिंग भी यूज किया जाता है। इसके बाद फाइनली जो भी रॉ डेटा को एनालाइज करने के बाद यूजफुल इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स, ट्रेंड्स, कोरिलेशन फाइंड किया गया है उसका क्लियर विजुअल रिपोर्ट बनाना होता है। इसके लिए डेटा एनालिस्ट हाई क्वालिटी चार्ट्स, ग्राफ्स यूज करते हैं अपने फाइंडिंग्स को क्लियर कंसाइज वे में प्रेजेंट करने के लिए। अब इस रिपोर्ट की हेल्प से कंपनी अपने बिजनेस को मॉनिटर करती है और उसको देखकर समझकर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है। डेटा एनालिस्ट को डेटाबेस और डेटाबेस सिस्टम को भी मेंटेन करना होता है। ओके, सो हमने देख लिया कि एक डेटा एनालिस्ट कौन है, क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। आइए जानते हैं कैसे आप एक डेटा एनालिस्ट बिल्कुल फ्री में बन सकते हैं और वो भी 6 महीने के अंदर। दोस्तों, डेटा एनालिस्ट बनना और जॉब पाना दोनों ही डेटा साइंटिस्ट बनने के और जॉब पाने के कंपेयर में आसान है, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट जो होता है उसको डेटा एनालिस्ट का भी काम आता है और साथ में मैथ, स्टैटिक्स, मशीन लर्निंग, स्ट्रांग प्रोग्रामिंग जैसे ये सभी स्किल्स आती है। तो अगर आप मैथ, स्टैटिक्स में अच्छे नहीं हो बट डेटा के साथ काम करना आपको अच्छा लगता है तो आपके लिए डेटा एनालिस्ट बनना एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप आगे चलकर और एक्सपीरियंस और लर्निंग के थ्रू डेटा साइंटिस्ट भी बन सकती हो। मैंने कई ऐसे डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू देखा जो मात्र 6 महीने में बिल्कुल जीरो से सीखना स्टार्ट किया और 6 महीने के अंदर सीखकर पहला इंटर्नशिप भी पा लिया। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये है वो स्किल्स जो एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको सीखना होगा। नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यस दोस्तों, एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी आनी चाहिए। नंबर 2, SQL। नंबर 3, पाइथन या R। दोनों में से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना होगा। पाइथन सीखना इंटरेस्टिंग और आसान है। इंटरनेट पर ज्यादातर वेबसाइट्स में R के कंपेयर में पाइथन को बेस्ट बताया गया है। नंबर 4, प्रेजेंटेशन एंड BI टूल। BI टूल मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर BI या फिर टैबलो। नंबर 5, सॉफ्ट स्किल्स में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन स्किल और अपने स्टोरी टेलिंग स्किल्स को और इम्प्रूव करना होगा। अब चलिए 1 by 1 करके देखते हैं इनको सीखने के लिए बेस्ट फ्री कोर्सेज कौन कौन से हैं। नंबर 1, एक्सेल। अब एक्सेल सीखने के लिए IBM का ये फ्री कोर्स कर सकते हो, एनालाइजिंग डेटा विद एक्सेल। ये कोर्स edx.com पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। बहुत अच्छा कोर्स है क्योंकि खुद IBM के इंस्ट्रक्टर्स ने इस कोर्स को बनाया है। अब एक्सेल के अंदर एक डेटा एनालिस्ट को क्या क्या पता होना चाहिए, तो इसके लिए दोस्तों अगर आप गूगल में सर्च करोगे एक्सेल फंक्शंस दैट एवरी डेटा एनालिस्ट मस्ट नो तो ये 8 फंक्शंस आएंगे। अब एक्सेल के अंदर स्पेशली इन फंक्शंस को अच्छे से सीखना है। edx के किसी भी फ्री कोर्स में सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। आप पूरा कोर्स फ्री में एक्सेस कर सकते हो, सीख सकते हो, लेकिन सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो आपको इतना पे करना होता है। बस आप यहाँ से फ्री में सीख लो, आपको सर्टिफिकेट नहीं लेना है, क्योंकि एक्सेल का सर्टिफिकेट लेना कोई नेसेसरी नहीं है। अब जिन लोगों को एक्सेल हिंदी में सीखना है उनके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है यूट्यूब। बस यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाओ और सर्च करो डेटा एनालिसिस यूजिंग एक्सेल। जैसे आप ये कीवर्ड सर्च करोगे तो आपके सामने कई मिनी कोर्सेज और फुल कोर्सेज आ जाएंगे। जैसे पहले नंबर पे जो मिनी कोर्स है वो है एडुरेका का 1 घंटे का, दूसरे पे है सिंपली लर्न का 4 घंटे का फुल कोर्स, डेटा एनालिटिक्स इन एक्सेल फुल कोर्स। ये दोनों कोर्स इंग्लिश में है, लेकिन जैसे आप डेटा एनालिसिस यूजिंग एक्सेल इन हिंदी सर्च करोगे तो आपके सामने सैम एकेडमी का ये वाला प्लेलिस्ट दिखेगा, डेटा एनालिसिस विद एक्सेल पायर टेबल उर्दू हिंदी। अगर आप इनके चैनल पे जाओगे और प्लेलिस्ट में देखोगे तो 48 वीडियोस बना रखी हैं डेटा एनालिसिस विद एक्सेल का, तो आप बेसिक टू एडवांस यहाँ से हिंदी में सीख सकते हो। इन सभी कोर्सेज और प्लेलिस्ट का डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर एब्जर्ट फैक्ट के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा।
जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो लोग जरूर ज्वाइन कर लें। तो इन दोनों कोर्सेज की हेल्प से आप एक्सेल हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सीख सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे कोर्स की। एक्सेल के बाद जो दूसरा स्किल था वो था SQL। अब SQL सीखने के लिए दोस्तों खान अकेडमी का ये कोर्स कर सकते हो। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। या फिर कॉग्निटिव क्लासेस का ये कोर्स कर सकते हो, SQL एंड रिलेशनल डेटाबेस 101। इसमें आपको फ्री सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो इन दोनों कोर्स की हेल्प से आप SQL इंग्लिश में सीख जाओगे। अब जो लोग हिंदी में सीखना चाहते हैं उनके लिए यूट्यूब पर बहुत सारे फुल कोर्सेज हैं हिंदी में। आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। जैसे अगर आप सर्च करोगे SQL इन हिंदी तो सबसे पहले ग्रेट लर्निंग का ये कोर्स दिखेगा। 3 घंटे का फुल कोर्स है हिंदी में। तो यहाँ से आप हिंदी में सीख सकते हो। अब हिंदी वालों के लिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से हिंदी में तो सीख लेंगे लेकिन सर्टिफिकेट कैसे लें SQL का। तो इसके लिए 2 ऑप्शन है। पहला, ग्रेट लर्निंग एकेडमी पर जाओ और ये जितने भी कोर्सेज हैं सब फ्री हैं। तो इसमें आपको ये कोर्स दिखेगा, SQL फॉर डेटा साइंस। ये 2.5 घंटे में इस कोर्स को कंप्लीट करो और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, हिंदी में सीखने के बाद कॉग्निटिव क्लासेस का SQL वाला कोर्स कर लो, आपको फ्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ओके, सो एक्सेल और SQL के बाद जो अगला कोर्स है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो इसके लिए जो पहला कोर्स है वो है डेटा एनालिसिस विद पाइथन कॉग्निटिव क्लास का। ये कोर्स काफी यूजफुल है। इसमें आपको फ्री सर्टिफिकेट भी मिलेगा और सर्टिफिकेट पर इस तरह का पावर्ड बाय IBM डेवलपर लिखा होगा। ये कोर्स इंग्लिश में है। अब आर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए कॉग्निटिव क्लास का ही ये कोर्स कर सकते हो, डेटा एनालिसिस विद आर। इन सभी कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों कुछ ऐसे भी डेटा एनालिस्ट के जॉब्स आते हैं जिसमें अप्लाई करने के लिए SAS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज रिक्वायर्ड होती है। SAS पाइथन की तरह एक फ्री ओपन सोर्स लैंग्वेज नहीं है, ये कमर्शियल और बहुत ही कॉस्टली लैंग्वेज है। कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं। तो पाइथन या आर के बाद अगर आप SAS भी सीखना चाहते हो तो इसके लिए ग्रेट लर्निंग एकेडमी का ये फ्री कोर्स कर सकते हो, एनालिटिक्स ऑन SAS। ग्रेट लर्निंग के हर एक कोर्स में आपको फ्री सर्टिफिकेट भी मिलता है। अब जो लोग पाइथन या आर हिंदी लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं तो उनके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, अगेन यूट्यूब। दोस्तों अब मैं आपको गूगल का बहुत ही यूजफुल कोर्स बताने जा रहा हूँ। गूगल कंप्लीट डेटा एनालिस्ट का 6 मंथ का जॉब ओरिएंटेड कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स को पाने के लिए अपने ब्राउजर में सर्च करो डेटा एनालिस्ट सर्टिफिकेट एंड ट्रेनिंग ग्रो विथ गूगल। आपको इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं ये है वो कोर्स, गूगल डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेट, नो रेलेवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, 100% रिमोट ऑनलाइन वर्किंग। हर हफ्ते सिर्फ 10 घंटे देकर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। और ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, गेट अ जॉब इन डेटा एनालिटिक्स विद द हेल्प फ्रॉम गूगल। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद गूगल एम्प्लॉयर कंसोर्टियम की हेल्प से जॉब दिलाने में भी हेल्प करेंगे ये लोग। ये कोर्स कोर्सेरा और गूगल के पार्टनरशिप में बनाया गया है। गेट इज स्टार्टेड पर क्लिक करोगे तो आप coursera.com पर लैंड कर जाओगे। दोस्तों ये कोर्स पेड है, $300 के करीब प्राइस है इसका। लेकिन अगर आप इसको फ्री में करना चाहते हो तो इसके लिए यहाँ पर एक बटन है, फाइनेंशियल एड अवेलेबल। जो लोग भी फी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो लोग कोर्सेरा का फाइनेंशियल एड को यूज करके इस कोर्स को फ्री में भी कर सकते हैं सर्टिफिकेट के साथ। याद रहे, जब भी आप फाइनेंशियल एड के लिए एप्लीकेशन दें तो ब्रीफ में एक्सप्लेन करें अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में और इस कोर्स को करने का आपका मेन मोटिव क्या है। 90% लोगों का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो ही जाता है। तो इस तरह गूगल का 6 मंथ का जॉब ओरिएंटेड कोर्स आप फ्री में कर सकते हो। सो फाइनली हमने एक्सेल, SQL, डेटा एनालिसिस विद पाइथन, आर के हिंदी इंग्लिश फ्री कोर्सेज देखा और गूगल का कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग फ्री में कैसे करना है वो भी जाना। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अब बचे हुए कुछ स्किल्स जैसे स्टोरी टेलिंग, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए टैबलो और डेटा क्लीनिंग के लिए पैंडास पाइथन, इन तीनों स्किल्स के फ्री कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप डायरेक्ट क्लिक करके वहां से पा सकते हैं। ये सभी इन्फॉर्मेशन मैंने डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यूज, आर्टिकल्स और गूगल की हेल्प से कलेक्ट किया है। अगर आपको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है तो प्लीज कॉमेंट में जरूर बताएं, मैं डिस्क्रिप्शन के थ्रू अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही एक नया यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।